बेक चीज पास्ता। ओ माय गॉड, वेलकम बैक टू माई चैनल। एंड बहुत टाइम से मुझे एक स्ट्रीट फूड वीडियो करनी थी या स्ट्रीट फूड फूड वॉक करनी थी। मैंने ऑलरेडी कमला नगर पर वीडियो करी है, ऑलरेडी मैंने न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास वीडियो करी है और मैंने सीआर पार्क में करी है। तो मैं आज आई हूँ अमर कॉलोनी और मैं सच बताऊँ मुझे लगता था अमर कॉलोनी में सिर्फ हंगर स्ट्राइक है, लेकिन आज यहाँ पर आके मेरा प्रस्पेक्टिव चेंज हो गया भाई। सच बता रही हूँ, यहाँ पे इतने सारे फूड जॉइंट्स हैं, चीज़ी पास्ता, चीज़ी गार्लिक ब्रेड, टुंडे कबाब, शोरमा, पालक पत्ता चाट सब मिल जाएगा आपको यहाँ पे। तो अगर वीडियो को नहीं लाइक किया तो जल्दी से कर दो, और अगर कमेंट नहीं किया, शेयर नहीं करोगे तो वीडियो नहीं आएगी। याद रखना 5000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, तो प्लीज़ जल्दी करवा दो। एंड अमर कॉलोनी की वीडियो मैं सोच रही दो पार्ट्स में निकालूँ, बिकॉज यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हैं और मैं चाहती थी मोस्टली मैं सब कवर करूँ। सो चलते हैं वीडियो में के अंदर और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करें। मैं ट्राई करने वाली हूँ पास्ता टाउन से इनका बेक चीज़ पास्ता, जो दिखने में इतना सुंदर लग रहा है और इतना चीज़ है इसके अंदर, क्या होगा मेरी डाइट का मेरा भगवान ही जानता है। तो चलते हैं। क्या डाल दो भैया? उबाल के रखते हो ना पहले भैया? अनियन और क्या पास्ता बना रहे हैं और इन्होंने अब डाल दिया ये बॉईल करके तने पास्ता, ठीक है, एकदम बढ़िया। ये पास्ता की बेक चीज पास्ता। ओ माय गॉड, सो मैं अब इसको ट्राई करने वाली हूँ। एकदम स्टीमिंग हॉट है ये और काफ़ी अच्छा चीज पुल भी आ रहा है, और लेट्स डू द टेस्टिंग। पास्ता अच्छा है, लेकिन फ्लेवर जो है थोड़ा देसी टाइप है। लाइक दिस इज नॉट एन ऑथेंटिक पास्ता, बट ये है कि काफ़ी चीज़ी है, कुछ ज़्यादा ही चीज़ी है और अच्छा है, ठीक है, डिसेंट। इसमें मैंने उन्होंने मेयोनीज डाली है, उसका बहुत अच्छा मतलब बहुत इम्पावरिंग फ्लेवर आ रहा है। मुझे ये पास्ता अच्छा लगा, काफ़ी देसी है, काफ़ी आपको अगर थोड़ा सा देसी स्वाद पसंद है वैसा है, चीज़ी है काफ़ी, और ये 210 रुपये का, थोड़ा सा महंगा है बट टेस्ट इज़ नाइस। तो नेक्स्ट मैं ट्राई करने वाली हूँ चिकन स्टीम मोमोज, और मुझे मोमोज नहीं पसंद बट आशीष को बहुत पसंद है, सिर्फ उसके लिए मैं ट्राई कर रही हूँ। और मैं ट्राई करने वाली हूँ आंटी मोमोज से, जो बिल्कुल पास्ता टाउन के बगल में है। लोकेशन प्राइजेस सब नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, एंड कमेंट्स भी कर देना, लाइक भी कर देना वीडियो को, और आज बहुत भीड़ है यहाँ पर। सर्दियों में मोमोज और साथ में तीखी लाल चटनी और मेयोनेज, क्या मजा आ जाता है, वाह भाई वाह, लाजवाब हो जाता है एकदम। ओए होए, वाह 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 वाह, गरम गरम।
इतने मोमोज मैंने जीवन में कभी नहीं खाए जितने मैं इतने दिनों में खा रही हूँ. दीज मोमोज आर रियली गुड. स्टफिंग बहुत अच्छी है इसकी. स्टफिंग इसकी बहुत अच्छी. इसका प्राइस है 70 रुपये हाफ प्लेट का. मुझे थोड़ी सी एक्सपेंसिव लगी. और ये डोलमा आंटी के मोमोज नहीं है, दिस इज़ आंटी के मोमोज. एंड इस शॉप का लोकेशन मैं डाल दूँगी. मुझे मोमोज अच्छी लगी. जो इनकी तीखी ये चटनी है ना, लाल चटनी, ज़्यादा मिर्ची नहीं है लेकिन बड़ी स्वाद है, मज़ा आता है. नेक्स्ट ट्राई करने वाली वो है टुंडे कबाब, जिसमें 4 पीस कबाब है, साथ में प्याज, चटनी और ये उल्टे तवे का पराठा है, जिसको देखते ही मेरे मुंह में पानी आ गया है. और आशीष ने देखते ही बोला मेरे मुंह में पानी आ गया, तो खाएगा ये सारा अकेले. और इन्होंने ये एक और दिया है. तो एक प्लेट में है 4 कबाब और 2 उल्टे तवे के पराठे और इसका प्राइस है 230 रुपीज़. और मैंने भी इनसे बात करी, कोविड की वजह से इनका बिजनेस में थोड़ा प्रॉब्लम आया है. तो प्लीज़ आप अगर यहाँ के नहीं ट्राई कर सकते तो ज़रूर घर में ऑर्डर करो, क्योंकि इनके कबाब बहुत स्वाद है. मैं दिखाती हूँ अब इसके टेस्टिंग. ओए होए मज़ा आ गया, मज़ा, वाह 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 मज़ा आ गया. तो चुप रहेगा, मार खाएगा मुझसे किसी दिन. मैंने ऑलरेडी खाया हुआ है यहाँ पे. मैं तुम्हारी तरह ये सब यहाँ पे फर्स्ट टाइम नहीं आई हूँ ना बच्चे. आशीष अमर कॉलोनी में फर्स्ट टाइम आया है. मैं बहुत बार आ चुकी तो मुझे पता है यहाँ पे क्या अच्छा मिलता है क्या नहीं अच्छा मिलता. बट यहाँ पे आज मैंने बहुत सारी शॉप्स देखी हैं जो मुझे भी फर्स्ट टाइम जिनके बारे में पता चला है. और अब खाती हूँ, ज़्यादा बकबक नहीं करती. सच बताऊं तो इनका कबाब का जो टेस्ट है थोड़ा डिफरेंट हो गया पहले से. सॉफ्ट है कबाब, बट मैं ये नहीं कहूँगी दिस इज द बेस्ट गलौटी कबाब आई हैव हैड. आई रियली लाइक द पराठा, इट्स क्रिस्पी. कबाब से साथ स्वाद लग रहा है, बट ओवरऑल मुझे मैंने इससे बेटर कबाब खाए हैं. बट स्टिल इफ यू आर कमिंग और आपको कबाब खाने का मन है तो यू कैन गिव इट अ ट्राई. 230 रुपीज़ इसकी कॉस्ट है. स्पाइसी है काफ़ी, मसाला है और ये आपके सामने बनाएंगे सब चीज़ फ्रेश, तो आपको मज़ा आएगा खाने में. इसको मैं करती हूँ फटाफट ख़त्म और चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पे. भैया तले हुए हैं ना पालक पत्ता बेसन पे. हाँ जी, ये है आलू और छोले. मसाला कौन सा मसाला है ये? कौन सी? पीली मिर्ची. पता था ये? हाँ, आपको नहीं पता था? मार खाने वाले काम नहीं कर रहे गाइस, कमेंट्स में जरा आशीष को जरा मार खिला. यही करना सबको. नेक्स्ट ट्राई करने वाली हूँ पालक पत्ता चाट फ्रॉम प्रिंस चाट भंडार. वाह 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 वाह, क्या सुंदर दिख रही है ये चाट, एकदम मेरे जैसी सुंदर. कौन ज़्यादा सुंदर? एक्चुअली मैं चाट के साथ ट्विनिंग कर रही हूँ, हरे रंग के कपड़े पहने और हरी पालक पत्ता चाट. आई लाइक टू ट्विन विद माई फूड आइज इफ यू गाइज सी. एंड कमेंट्स में बता दो एम आई ट्विनिंग विद द चाट. इफ आई टॉक अबाउट दिस चाट आई फाइंड इट वेरी एवरेज. आई डोंट लाइक इट मच टू बी ऑनेस्ट. जो चटनी है वो बहुत अच्छी है, इनकी जो टैमरिंड चटनी है वो बहुत अच्छी है. दही बहुत ठंडा है और बहुत मस्त है.
और मुझे अगर मैं सच बताऊं मुझे पालक पत्तों की जो ड्रेसिंग इन्होंने जो कोटिंग करा है वो उतना अच्छा नहीं लगा, बट ओवरऑल इट्स डिसेंट, इट्स नॉट दैट बैड ऑल्सो, मुझे ओकेश लगा। एंड चटनियाँ बहुत स्वाद हैं, ठंडी है, चाट वाली फील अच्छी है, बट आई डिडंट लाइक द कोटिंग ऑफ द पालक पत्ता टू बी ऑनेस्ट। तो ये आशीष खाएगा बिकॉज इसको बड़ी एक्साइटमेंट थी खाने की, और सारी जो गंदी चीज़ें होती है मैं इसको ही खिलाती हूँ, तो ये खाएगा और चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक।